मैनपुरी चुनाव की क्या स्थिति है? मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। रघुराज शाक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 8 तारीख को विजयी घोषित होंगे। अब शिवपाल और अखिलेश यादव एक मंच साझा कर रहे हैं। कभी शिवपाल ने राजनीतिक दृष्टि से दूरी बनाई हुई थी, उन्होंने अपनी प्रसपा एक अलग बनाई हुई थी। अब चाचा भतीजे एक हो गए हैं, इसका जो राजनीतिक समीकरण है इस पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हर वर्ग का समर्थन है, हमने आपको बता दिया। और पूरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन से पूरे चुनाव में लगे हुए हैं, जी जान से दोनों रात एक ही हुए और हर वर्ग के लोग लगे हुए हैं। ये शिवपाल और रामगोपाल में बहुत दूरी थी, कभी अखिलेश यादव शिवपाल के लिए भी कहते थे कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो चले जाएं, अब एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, शिवपाल सिंह की और चश्मा की, ये चश्मा कौन है? चश्मा सब जानते हैं, शकुनी उर्फ रामगोपाल उर्फ चश्मा, और भी बहुत उसकी उपाधियां हैं लेकिन हम देना ठीक नहीं समझते। वो कभी नहीं चाह सकता कि शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी में, कभी भी नहीं चाह सकता और कभी चाहा नहीं। हम भी समाजवादी पार्टी में रहे 30-35 साल, तो हमने देखा 30-35 साल में कभी भी चश्मा ने शिवपाल सिंह का भला नहीं चाहा, ना उनके लोगों का भला चाहा, उनके खिलाफ रहा। और अखिलेश जी जिस दिन चश्मा को पार्टी से निकाल देंगे तो उस दिन समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी, और जब तक चश्मा रहेगा इस पार्टी में तब तक अब समाजवादी पार्टी दिनों दिन गिराव घटेगा और घट रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि शिवपाल ने सरेंडर सा कर दिया? नेताजी जब जिंदा थे तब परिवार एक नहीं हुआ, और उनके निधन के बाद अब ये परिवार एक ही मंच पे आ गया? नहीं नहीं, नेताजी जिंदा थे विधानसभा के चुनाव में तब भी शिवपाल सिंह ने समर्पण कर दिया था, किया था कि नहीं किया था, तब भी धोखा हुआ उनके साथ, अब भी परिवार के नाते उन्होंने समर्पण किया है, धोखा फिर मिलेगा उनको। आप लिख लेना, एक टाइम भी लिख लेना, समय भी लिख लेना और दिन भी लिख लेना, डेट लिख लेना। हमने आज कहा कि शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी कुछ मिलने वाला नहीं है, चश्मा रहेगा कुछ मिलने नहीं देगा। जब से इस पार्टी में चश्मा का प्रभाव बढ़ाए, शकुनी का प्रभाव बढ़ाए इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, तब से समाजवादी पार्टी का स्तर गिरता ही है। चश्मा का प्रभाव समाजवादी पार्टी सन 2012 से बढ़ा जब से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, और अखिलेश यादव जी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में, चश्मा की में, जो वो चाहता वही होता है, और वो चाहेगा जब तक वो होता रहेगा समाजवादी पार्टी गर्त में चलती जाएगी। आप चुनाव प्रचार में इस समय भी आप मैनपुरी में हैं और बहुत नजदीक से एक एक घर घर वोट मांग रहे हैं, अपर्णा कैंपेनिंग में आएंगी क्या? देखिए, अपर्णा की हम नहीं कह सकते आएंगी या नहीं आएंगी, तो वही जाने। भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसका हम निर्वाह करेंगे, जिस दल के साथ हमें, जिस दल ने हमें सम्मान दिया, निष्ठा से उस दल के साथ प्रचार करेंगे और मदद करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।